हाय डियर फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है बहुत स्पेशल है स्पेशल इसलिए क्योंकि ये रेगुलर वीडियो नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पिछले कुछ दिन पहले एक ब्लॉग आया था मेरा जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने मुझे अप्रिशिएट भी किया बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने मुझे नाराज़गी भी दिखाई मेरे साथ में और थ्रू आउट वर्ल्ड में ऐसा हुआ जो मेरी टेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने की मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी को भी दुख दू या तकलीफ दू एक्चुअली एक ब्लॉग मैंने बनाया था एक फर बेबी के साथ में आ, उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई थी सबसे पहले तो मैं किसी भी बात को आगे करने से पहले मैं आप सब फैमिली मेम्बर से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर मैंने किसी की भी फैमिली को या किसी की फीलिंग्स को या किसी के सेंटिमेंट्स को मैंने हर्ट किया तो एक्चुअली मेरे पास एक फैमिली आई थी जो फैमिली मेम्बर थे वो बहुत दुखी थे अपने डॉग से साढ़े तीन महीने का डॉग था उन्होंने बहुत बारी ट्राई की उस बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए और वो बच्चा भी मुझसे लिया हुआ था मैंने उन्हें टिप्स भी दिए लेकिन वो फॉलो कर रहे थे लेकिन उनसे पूरा हो नहीं पा रहा था जैसे अक्सर लोगों के साथ में होता है लोग नो की कमांड देते हैं डॉग आगे से अग्रेशन दिखाता है तो वो फर्स्ट टाइम पेट ऑनर थे वो डर जा रहे थे उससे वो बार 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 जब वो एक डेढ़ महीने से डेढ़ महीने का बच्चा हमने दिया था उसके बाद में जैसे जैसे वो कमांड देते गए उसकी जो एग्रेशन थी वो डे बाय डे बढ़ती गई मींस वो जो डॉग था उसका सिस्टम ये था कि अगर उसे कोई किसी चीज से हटा रहा है तो वो आगे से बाइट करके दिखा देगा उसने फैमिली मेंबर्स सात फैमिली मेंबर्स में से पाँच फैमिली मेंबर्स को बाइट किया उनके चाहे किसी के पाँव से खून निकला चाहे किसी की लेग से किसी के हाथ से से किसी की फिंगर खून एक वो मेरे पास में आया और उन्हें बड़ी बड़ा दुखी थे वो बहुत ऑलमोस्ट यू नो एक बड़े डिसार्टेड से ऑलमोस्ट अबाउट टू है कि भैया हमने बड़े शौक से डॉग लिया था बड़े uh, सालों की uh, एक तमन्ना थी कि हम डॉग रखें वो मेरे पास में आए एक एक्सपेक्टेशन लेके कि मैं उनको एक सोल्यूशन दूंगा उस डॉग को हैंडल करने का वो बच्चे को जब मैंने उसकी बेल्ट पकड़ने की कोशिश की तो उस बच्चे ने मुझ पर अटैक कर दिया उससे पहले भी उस बच्चे ने दो तीन बार फैमिली मेम्बर्स पे मेरे स्टोर पे जो है मेरे जो टीम है उन पर भी उसने अटैक करने की कोशिश की जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो वीडियो में जब पहले मैंने उसे बिठाया और मैंने न्यूज़पेपर गोल करके उसको समझाने की कोशिश की जैसे हम डांटते हैं या कुछ भी है, क्योंकि वो अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखा रहा था उस सिचुएशन में उसने क्या किया बच्चे ने उसने न्यूज़पेपर को मुंह में पकड़ा और उसने उसे टियर कर दिया तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये न्यूज़पेपर से बात नहीं बनने वाली है और जो उसके ऑनर थे वो और ज़्यादा डिसार्टिड हो गए उन्हें लगा यार ये बादल भैया अगर ये आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा हम किसके पास लेके जाएंगे हम क्या करेंगे तो एक एक वो होता है ना एक किसी की एक्सपेक्टेशन होती है और एक बच्चा बदतमीजी तो मतलब कर देते थे कोई भी बच्चा कर देता है आप जो वीडियो देख रहे हैं आप मेरी बात से इससे इतफाक रखते हैं रखेंगे इरादर बहुत बड़ी होता है कि टीचर हमें मारने के लिए डराने के लिए वो हमें अः स्लैप नहीं लगाते कई बारी होता है वो हमें समझाने के लिए लगाते हैं कि हम जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उसको हम छोड़ दें इस वीडियो में भी आ, कुछ ऐसा ही हुआ न्यूज़पेपर को वो फाड़ चुका था मेरे से गलती ये हुई कि उस न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर वाला जो सीन था वो मैंने क्योंकि मुझे फिर से रीशूट करना पड़ा वो वीडियो इसलिए वो वाला मेरे एडिटर ने वो हटा दिया ये बच्चे की एग्रेशन बहुत एक्सट्रीम पे थी मेरे आप जितने भी ब्लॉग्स देखोगे पिछले जितनी देर में भी आए ऑलमोस्ट फाइव ब्लॉग्स हैं इस समय मेरे यूट्यूब चैनल पर

उस वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार दिया मैंने भी उस बच्चे को बहुत प्यार दिया उसने दोबारा मेरे साथ वैसी बदतमीजी नहीं की थ्रू आउट वीडियो अनकट वीडियो था बहुत सारे दोस्तों ने आप में से फैमिली ने वो देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि सर अगर बच्चा बदतमीजी करता है तो पेरेंट्स भी उसको कभी लगा देते हैं उसी तरह से पेट पेरेंट एक रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट होने के नाते मैंने किया लेकिन मेरी इंटेंशन जो है अगेन मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ मेरी इंटेंशन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की नहीं थी मेरी इंटेंशन उस डॉग को मारने की नहीं थी उसको तकलीफ देने की नहीं थी सिर्फ इतना था कि बच्चे ऐसे नहीं करते तो वो बच्चा जो था बिल्कुल नॉर्मल कूल हो गया वीडियो में लेकिन कुछ एक लोगों ने ना उस वीडियो को पकड़ के उस एक एक जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का चीज थी उसको देख के उसको लेके बड़े सारे वीडियोस उसको बार 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 दिखा के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी चीप पब्लिसिटी लेने के लिए जो कि जिसकी जरूरत नहीं थी एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लोग ऐसे करते हैं मैं आंसरेबल हूँ आप सब फैमिली मेम्बर्स को जो मेरी फैमिली है साढ़े लाख के करीब हमारे फॉलोअर्स हैं जो वो ये फॉलोअर्स नहीं है ये हमारी फैमिली है प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि इस डॉग वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है जिसके चैनल को जिसके वीडियोस को और जिस इंसान को वो मैं हूँ वो जो प्यार कहीं और से नहीं मिलता आप लोग ही मुझे वो प्यार देते हैं पता नहीं कितने लाखों कमेंट्स हैं मेरे सभी वीडियोस पे जो जिसमें आप लोग बोलते हैं कि बादल भैया वी लव द वे यू हैंडल द डॉग मैंने आपको डॉग हैंडल करना सिखाया प्राउडली कहता हूं मैं लोगों को जब अगर कोई मेरे पास आके बोलता है कि भैया हमारा कुत्ता ऐसे करता है मैं बोलता यार, आपके बच्चे का नाम होगा आप उस बच्चे को नाम के साथ बुलाइए बडी है, है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे उस चीज की ज्यादा खुशी होगी राइट वो, वो मैं उस सोच का उस मैंटेलिटी का इंसान हूं मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने की बहुत सारे दोस्तों ने मुझे उस चीज़ पे मेरे इमोशंस को सेंटीमेंट्स को या मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की उन्होंने अप्रिशिएट भी किया बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी थे जिनको उस चीज़ से तकलीफ हुई दुख हुआ थ्रू आउट वर्ल्ड तो मैं उन सब दोस्तों से जो घर बैठे हैं जो कहीं पे भी हैं उन सब से मैं माफ़ी चाहता हूँ आई होप आप uh, मेरी भी इमोशंस को समझेंगे मेरी मैंने किस वे से वीडियो बनाया था क्या इंटेंशन थी मेरी उसे आप समझेंगे मैंने अपना पक्ष रख दिया और uh, किसी भी वजह से ये वीडियो बना आपको हर्ट हुआ मैं नहीं चाहता था किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी के इमोशंस को हर्ट करना और आइंदा मैं ख्याल रखूंगा इस चीज़ का उम्मीद करता हूँ आप जो पहले प्यार देते हैं वो हमेशा देते रहेंगे जो आपने पहले ब्लैसिंग दी है वो देते रहेंगे जैसे आप पहले लाइक्स और शेयर्स करते रहें मेरे वीडियोस को करते रहेंगे और मैं भी हमेशा कमिटमेंट करता हूँ इस चीज़ की कि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस बनाऊंगा उस चीज़ में ख्याल रखूंगा कि आपके इमोशंस का भी ख्याल रखूँ और नॉलेजेबल वीडियो हों जो आपके डॉग की फर बेबी की जो लाइफ को और बेहतर कर सके थैंक यू सो मच साइन दिया करेंगे मुझ पे आप पे सारी दुनिया के फॉर बेबीज पे लव यू ऑल बाय